नमस्ते दोस्तों, बुलबुल की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक फिश कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत सिंपल और इजी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब और बहुत टेस्टी लगती है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। वैसे तो ये जो कटलेट है, जो प्रोसेस से मैं बना रही हूँ, ये एक्चुअली में भेटकी मछली की जो पेटी से ही वो फिश वाले कट करके देते हैं, पतला पतला एकदम बिना कांटे का, और कट करके देते हैं। बट मैं झारखंड में रहती हूँ, इसलिए यहाँ पर उस तरह से कट करके नहीं देते हैं, वहाँ पर चौड़ा चौड़ा और पतला पतला कट करके देते हैं। तो मैं यहाँ पर, ये भी भेटकी मछली ही है, लेकिन ये भेटकी मछली की दूसरी प्रजाति है, तो मैं यहाँ पर पेटी वाली जो भाग होती है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीस जो है मोटे मोटे हैं। ये 9 किलो की साइज़ की भेटकी मछली की पेटी है, तो इसके अंदर कांटे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि अगर आपके पास में भेटकी मछली नहीं है तो आप ये प्रोसेस कतला मछली के साथ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीस कितना मोटा है, ये 9 किलो के साइज़ का मछली है। और आप भी कतला या रेहू की बड़ी मछली लीजिए, जो 5 किलो 6 किलो तक भी हो, उसकी पेटी लीजिए, जो मोटा हो आकार में, अच्छा जिसका पीस है निकलता है, उससे आप बनाइए। इस प्रोसेस को बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मछली में 1 चम्मच हमें नमक दे देना है, 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद हमें काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब छिड़क देना है। उसके बाद हम यहाँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, वो भी हमें डाल देना है। और यहाँ आधा नींबू का रस लेंगे, वो भी हमें अच्छे से डाल देना है सब में, सभी मछली के पीस में। और अच्छे से सब हाथों से सबको मिक्स कर लेना अच्छे से, और मिक्स करके हमें इसे रख देना है। इसमें अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए फ्रीज में अपना मछली को रख देंगे। हमारी फिश रेस्ट कर रही है, हम अपना बाकी का प्रोसेस कर लेंगे। हमें कटलेट के लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए, लेकिन मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो मैं यहाँ नॉर्मल ब्रेड ले रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक दरदरा पाउडर हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर 2 अंडा ले रहे हैं। और अब हम इसे फेंट लेना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा ले लिया है। मैदा में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून के करीब नमक दे देना है। और 1/2 टीस्पून के करीब ही आपको काली मिर्च भी दे देना है। और 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ पर मिर्च का भी पाउडर दे देना है। और सबको अच्छे से मैदा को मिक्स कर लेना है। फ्रीज से मैंने अपनी फिश निकाल ली है। अब हम इस फिश को लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये मैदे वाले जो मिश्रण है इसमें अच्छे से इसको कोट करेंगे। बहुत अच्छे से हमें कोट करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे अपने अंडा में कोट करेंगे। और बहुत अच्छे से फिर इसे हम अपने ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर देंगे। सभी पीसेस में हमें इसी तरह से करके एक प्लेट में साइड में हमें रख देना है। दूसरे पीस में फिर से इस प्रोसेस को एक बार अच्छे से दिखा दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि पहले हमें मैदा लगाना है, फिर हमें अंडा में इसे डिप करना है, और उसके बाद हमें ब्रेड में अच्छे से दबा दबा कर हाथों को दबा दबा कर अच्छे से ब्रेड इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देना है, और एक साइड में प्लेट में हम रख देंगे। देखिए मैंने भी यहाँ पर प्लेट में सबको रेडी करके रख लिया है तलने के लिए। अब आपको तेल मीडियम हीट पर गर्म कर लेना है, और यहाँ पे 3 या 4 पीस को ही डाल करके तलना है, और धीमे धीमे आँच में ही तलना है, जिससे कि अंदर तक मछली पक जाए, नहीं तो ऊपर से ब्रेड क्रम्स जो है वो जल जाएगी और अंदर मछली कच्ची रह जाएगी। इसलिए आप लोग स्लो फ्लेम पे थोड़ा हल्का फुल्का तेज करके इसे पका लें, अच्छे से सुनहरा गोल्डन कलर कर लें। फिश फ्राई हो चुकी है, और हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, एकदम सुनहरा लाल कलर हो गया। देखिए फ्रेंड्स,
अब हमने इसे टिश्यू पेपर में निकाल लिया है और ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी साउंड, कितना ये क्रिस्पी है। तो लीजिए दोस्तों, रेडी हो गई हमारी झटपट से एकदम टेस्टी वाली फिश कटलेट की रेसिपी। है ना एकदम सिंपल। अब आप इसे जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।